हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे पाकिस्तान ड्रामा, ड्रामेबाज यूट्यूबर अरेस्टेड फ्रॉम पुलिस। सब ड्रामा है। तो जो पाकिस्तान का यूट्यूबर है, सबको पता ही होगा कौन है अरेस्टेड बाय पुलिस, तो उसका देख रहे हैं। सब ड्रामा है, वो तो है ही ड्रामा है। हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि ये लोग सब पैसों के लिए करते हैं, व्यूज़ के लिए करते हैं। अब ये जो अगर इतना ही वाकई इनका मैं देख रही थी, बोल रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान को बेटर करने के लिए सब करें। अरे जब व्यूअर्स ही तुम्हारे सारे इंडियंस हैं तो पाकिस्तान कहाँ से बेटर हो रहा है? तुम इंडिया की जय जयकार करके पाकिस्तान को कहाँ से बेटर कर रहे हो? बात तो वो सब है, ये तो इंडिया से व्यू लेने हैं। व्यू भी क्यों, पैसा लेना है, क्योंकि व्यू से पैसा आता है। ये बंदे जो हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, इन्होंने इंडिया के व्यूज ले लेके करोड़ों कमा लिए हैं। ये सब जो यूट्यूबर हैं, ये सब इन्होंने करोड़ों कमाए हैं। पहले वाले में भी कहा था, उनको लिंक करनी है हर बात को इंडिया से, और इमीडिएटली कहना है कि इंडिया ग्रेट है और उनका अपना माल सब गड़बड़ है। ये बोल दो, इंडिया खुश हो गया, इंडियंस लोग आएंगे, उनका पैसा बन गया, नेक्स्ट वीडियो लाओ, रिपीट। और खाली यही नहीं है, बहुत सारे इनके ऐसे यूट्यूबर्स बने हुए हैं। अब इन सब की फटेगी, क्योंकि अब ये लोग जब इन्होंने देखा कि एक के साथ ये हो रहा है, अब उन सब के पेट पे लात पड़ रही है। देखिए, इसके में प्रॉब्लम ये थी कि ये कंपेयर करता था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और पाकिस्तान को थोड़ा नीचा कर देता था। मगर एक ऐसी भी जनता है जो पाकिस्तान रिएक्शंस वाले हैं, जिनका काम सिर्फ इंडिया की जय जयकार करनी है। वो पाकिस्तान का कुछ बुरा नहीं बोलते, वो आएंगे इंडिया के लोगों का बना हुई कंटेंट दिखाएंगे, इंडियंस को ही दिखाएंगे, जय जयकार करेंगे, डन। मतलब उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बना रखा है कि आप इंडियन लोगों का कंटेंट लो, घर में इंडियन लोगों का ही कंटेंट लो, उसको सिर्फ देखो, जय जयकार करो और आप इंडियंस को ही दिखा दो। और उससे पैसा उनको मिल गया। वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस मॉडल है, वो चलता है। उनका करना यही है कि ये बोलना है कि वाह 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 सब ग्रेट है। मतलब अगर मेट्रो आती है, अच्छी मेट्रो हमारे यहाँ तो घोड़ा गाड़ी चलती है जी, आपके मेट्रो कमाल हो गया। और उनके पास भी ट्रेनें हैं, वो भी उन ट्रेनों में जाते हैं। इंडिया की जनता जो है, इंडिया की जनता जाती भी है देखने के लिए कि अच्छा हमें बोल रहे हैं ग्रेट, हा 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 हमें ग्रेट बोल रहे हैं, वाह वाह वाह। उनके भी व्यूज बहुत आते हैं, दबा के आते हैं। मैं तो इंडिया की जनता पे भी देख के हैरान होता हूं। है अभी ये जो है, जिसको अरेस्ट किया है और ये सब चल रहा है, इंडियंस को बड़ी फिक्र हो रही है उस बंदे की। और वो भी इंडिया से, वो भी अपने चैनलों में बोल रहे हैं कि हमारी हेल्प करो हमारे को, हमने ये सब करने में। मैं कह रही हूँ भैया, कौन हेल्प करे? सारे देखने वाले तुम्हारे इंडियंस है, तुम इंडियन से बोलो तुम्हारी हेल्प करे। तुम्हारे को पाकिस्तान शुरू कर देंगे कैंपेन, इंडिया के लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं, डोनेशन शुरू कर देंगे। नहीं, अब डोनेशन तो मांगने लग जाएंगे, तुम पैसा दे देना। ये बंदे ने पहले पैसे भी मांगे हुए हैं बहुत, हिंदू के नाम पर करोड़ों कमाया है, हिंदू के नाम पर। मेहनत करो और दिन रात मेहनत करो, सारा पैसा यहाँ दे देना। और इंडियंस जो है बनी जा रहे हैं। हमने जब वीडियोस की थी, इतने कमेंट्स आ रहे थे जो भैया उसके हक में, कि भैया वी स्टैंड फॉर हिम, ये फलाना। इतनी मेहनत करके अपनी फैमिली को हेल्प मत करना, इनको जरूर हेल्प कर देना, इनको हेल्प कर देना भैया। कई लोग आए हैं भैया जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा भैया तुम तो रहने ही दो, तुम इंडियंस हो के जिस तुम्हारी सोच ऐसी है, तो भैया हमें दुश्मनों की जरूरत ही नहीं अपने देश में। कमाल ही कर दिया। किस टाइप के लोग हैं ये, आप खुद ही सोच लो। और अपने आपने अगर ये वाकई अपने पाकिस्तान को बढ़ाना चाहते हैं, उसको अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अपने पाकिस्तान से रिलेटेड कंटेंट बनाएं और अपने पाकिस्तानियों को दिखाएं। Correct. इंडिया से रिलेटेड कंटेंट बना के इंडियंस को ही दिखा के तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। बोल चुके हैं, बट कुछ लोगों को समझ नहीं आती। बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 1 मिलियन सर के ऊपर से जाती है। कम से कम हमारे इंडिया में 1 मिलियन ऐसे इंडियंस हैं जिनको ये बात समझ नहीं आ रही। अगर वाकई ये लोग चाहते हैं कोई सुधार पाकिस्तान का, तो सबसे पहले तो अपने चैनलों को डिमोनेटाइज करो, पैसा कोई मत लो, और फिर बनाओ, फिर जय जयकार करो। मैं तो कितनी बारी बोल चुकी हूँ, बिना भारतीय हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करो, उनको भी उनका दिमाग ठीक करो, वो तो ब्रेन वॉश हो चुके हैं। और जो खास एजुकेशन ठीक करो नहीं, और खासकर जो इन लोगों के लिए बड़े फिक्रमंद हो रहे हैं, भैया तुम तो ब्रेन वॉश हो चुके हो। जो उनका एजेंडा था वो उसमें कामयाब हो गए। वो इंडियंस को प्रो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तुमको बना दिया उन्होंने। भैया तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, हमारे देश में ऐसे लोग बैठ गए हैं जो हमारे देश को जो है
क्या करेंगे आप समझ ही रहे हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में जब इमरान खान को पकड़ा गया था उसके बाद से एक पुलिस हेडक्वार्टर या फिर एक म्यूजियम को आग लगाया था उनके बंदों ने इमरान खान के, तो पाकिस्तान के अंदर एक जो है नया कानून आया था। उस कानून में यह लिखा गया था इसके बाद अगर पाकिस्तान में किसी ने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कोई वीडियो बनाई या कमेंट भी किया उसको जेल में डाला जाएगा। भाई एक यूट्यूबर है पाकिस्तान के अंदर जिसे जो दूसरे यूट्यूबर के साथ लड़ पड़ा है उसको पुलिस ने पकड़ा है। तो सोशल मीडिया के अंदर जो है वो शुएब अख्तर नाम है उसका, शुएब अख्तर को पकड़ लिया। एक यूट्यूबर है हिंदुस्तान की तारीफ करता है, पाकिस्तान की आवाम को माइक आगे लेके उनको बुरा भला बोलता है, उनको बोलता है तुम लोग ऐसे करते हो, इतना अच्छा वाला है उन्होंने। अब मेरे ख्याल से वो पाकिस्तानी जो है आपको पता है अक्सर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अक्सर बीच में लड़ते रहते हैं खुद को फेमस करने के लिए, उनकी पुरानी आदत है, ये बोलते हैं हमें गालियां दो लेकिन हमें फेमस कर दो, हमें सेलिब्रिटी बना दो यूट्यूब के अंदर पैसे कमाने, क्योंकि भाई डॉलर इतना ऊपर है पाकिस्तान के अंदर काम धंधा है नहीं। अब लोग जो है वो बोल रहे हैं यार ये शुएब अख्तर जो है चौधरी ये इसकी इसको पुलिस पकड़ा है यार इसका साथ दो इसका। देखें भाई मैं आपको एक बात बताऊं साफ सुथरी मेरे दिल की बात क्या है, बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे यूट्यूबर्स आए जो स्टार्टिंग में हिंदुस्तान को गालियां देते थे, उनको पता चला कि दुकान ही नहीं चल रही हमारी तो लोग आके सिर्फ कमेंट में गाली देके निकल जाते हैं, वीडियो तो देखते ही नहीं है तो कैसा होगा। वो उन्होंने अपना कंटेंट चेंज करके हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। देखो भाई मैं आपको साफ बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर अगर आपने सच बात बोलनी है, अगर आपने हकीकत बोलनी है, पड़ोसियों का साथ देना है तो आप अपने इदारों को पकड़ो, आप अपने पुलिस को पकड़ो, अपनी आर्मी को पकड़ो, ISI को पकड़ो, IMI को पकड़ो, अपनी सरकार को बुरा बोलो। आवाम ने क्या किया है, पाकिस्तान की आवाम ने क्या किया है, पाकिस्तान की आवाम बिचारी तो गरीब आवाम है, बिना गाली के बजाय कुछ कर भी नहीं सकते वो लोग। ये मानता हूं मैं कि पाकिस्तान की आवाम गालियां देते हैं हर जगह पे, हर कमेंट में, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, पाकिस्तान की आवाम गालियां देते हैं, उनके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर करना है तो अपनी ISI के खिलाफ बोलो। एक भी वीडियो मुझे बताओ पाकिस्तान का एक भी यूट्यूबर जो लाडला हो, आप लोगों के आंखों का तारा हो, एक भी आप मेरे को यूट्यूबर बता दो जिसने पाकिस्तान के ISI के खिलाफ वीडियो नहीं बोला, इंडिया जिसने पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ वीडियो बनाई हो, जिसने पाकिस्तान के पुलिस के खिलाफ वीडियो बनाई हो, जिसने पाकिस्तान की सरकार बोला हो कि तुम हरामखोर हो, तुम दहशतगर्द, इंडिया की जय जयकार के पड़ोसी देश के अंदर ये जो दहशतगर्दियां करवा रही है ये कौन करवा रहा है, ये आम आवाम करवा रही है या फिर वहां की सेना करवा रही है। भाई सेना करवा रही है, जब सेना करवा रही है तो सेना की आंखों में आंखें डाल के बात करो, सेना का नाम लेके मेंशन करके बात इमरान खान के साथ पैसों के लिए आए, दहशतगर्द इमरान खान के साथ वाला कॉटो नहीं को मिलेगा, जिसे मंजूर पश्तून जो PTM पार्टी का लीडर है वो करता है, जिसे बलोच लोग बोलते हैं, तुम तो आम आवाम को पकड़ के माइक उनके सामने तुमने हिंदुस्तान को वो भी नकली स्क्रिप्टेड बोल रहे हैं। भाई आम आवाम ने क्या किया है, वो स्क्रिप्टेड है, कर भी क्या सकते हैं, उनकी औकात भी नहीं है कुछ करने की, वो बिना गाली के बजाय। अगर आपने वाकई हिंदुस्तान के बड़े गमख्वार हो तुम लोग, बड़े हिंदुस्तान के तुम लोग लाडले हो, प्यारा है हिंदुस्तान तुम लोगों को, पड़ोसी देश अफगानिस्तान प्यारा है, तो फिर ISI के ऊपर वीडियो बनाओ, बड़े हरामी तो वही है जो है वो अपनी आर्मी के ऊपर बनाओ, अपनी पुलिस के ऊपर नहीं मिलेंगे, इंडियंस नहीं आएंगे। जब इमरान खान को पकड़ा गया था उसके बाद से एक पुलिस हेडक्वार्टर या फिर एक म्यूजियम को आग लगाया था उनके बंदों ने इमरान खान के, तो पाकिस्तान के अंदर एक जो है नया कानून आया था, उस कानून में ये लिखा गया था इसके बाद अगर पाकिस्तान में किसी ने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कोई वीडियो बनाई या कमेंट भी किया उसको जेल में डाला जाएगा। ये लोग ISI के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। आप मुझे तारीख के अंदर, मैं 6 साल से यूट्यूब के अंदर हूं, मुझे एक यूट्यूबर बताएं जो पाकिस्तान में बैठ के अपने ISI के खिलाफ वीडियो बनाए। जो भी यूट्यूबर है पाकिस्तान का, जितना भी बड़ा यूट्यूबर है, बोलता है हम तो पुलिस की रिस्पेक्ट करते हैं, हम तो पाकिस्तानी आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं। वो तो अब उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद करने लग गया था वीडियो में, तो फिर ये क्या कर रहे हो कि हिंदुस्तान के साथ ये बुरा कर रहे हो, तो आवाम थोड़ी कर रहे हो, तो कर तो वही लोग रहे हैं, अगर पकड़ना है तो उनको पकड़ो। उनको भूलने के लिए इनके अंदर दम नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर तो पाकिस्तान की आर्मी का इतनी भी औकात नहीं है। नहीं, और साथ में पैसे नहीं मिलने, व्यूज ही नहीं आने, बनाया था उसको यूरोप, ये तो सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। 5-6 साल यहाँ पे यूरोप के अंदर पाकिस्तानी फेस टू फेस आए मेरे साथ,
झगड़े भी हुए, कोर्ट कचहरी तक गया हूं, मैंने उनसे पैसे भी उल्टे लिए, केस भी जीता। उनको लगता है कि ये भी पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। पाकिस्तान में आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो अपने सरकार के खिलाफ, अपनी सेना के खिलाफ, अपनी ISI अपनी आर्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते पाकिस्तान में। और हाँ, यूरोप आउट ऑफ कंट्रीज, यहां पर कुछ भी आप बोल सकते हो, वहां पर कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर वो लोग यूट्यूब चैनल तो चला रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए अच्छा तो बोल रहे हैं, लेकिन जो बुरा बोल रहे हैं, जो कसूरवार ठहरा रहे हैं, वो अपनी आवाम को ठहरा रहे हैं। गली पे, सड़क पे खड़े होकर चाय वाले के आगे माइक पकड़ के बोल रहे हैं, तुम लोग हिंदुस्तान से क्यों नफरत करते हो, तुम लोग हिंदुस्तान को क्यों बुरा भला बोलते हो, फिर जाके एक मौलवी के आगे माइक पकड़। भाई, आवाम को क्यों पागल बना रहे हो? पाकिस्तान की आवाम थोड़ी करती है ये सब कुछ। पाकिस्तान की आवाम में इतना दम है जो वो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करवाएगा, जो अफगानिस्तान पे हमले करवाएगा, जो अमेरिका को अड्डे देगा। पाकिस्तान के अंदर इतनी दम, आवाम के अंदर इतनी दम है? अरे ये तो सब तुम्हारी सेना कर रही है। मानूंगा तो तब मैं उस पाकिस्तानी यूट्यूबर को जब वो अपने सेना के खिलाफ वीडियो बनाएगा, वो जब तो वो करेगा नहीं, ISI के खिलाफ वीडियो बनाएगा, जब वो अपने टाइटल पे लिखेगा यूट्यूब के कि हमारी ISI दहशतगर्द है, हमारी आराम खोर सेना दहशतगर्द है, तब मैं इंडिया का, तब मैं साथ दूंगा। ये एक तो हुतिया पा है, ये तो हुतिया बना रहे हैं लोगों को, आम आवाम को जो वीडियो में रिकॉर्ड करवा के, उनको तो पैसे दे के बना बुलवाते हैं। तुम लोग हिंदुस्तान से क्यों नफरत करते हो? हिंदुस्तान डेवलप हो रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। आम आदमी क्या कर सकता है बेचारा? गरीब आदमी रेड़ी चलाता है, आम फल फ्रूट बेचता है, रिक्शा ड्राइवर को पकड़ के, कभी होटल वाले को पकड़ के, कभी हाथ में कुछ बेचने सेम ही बंदे को बार बार बुलाते रहते हैं, उससे करते हैं पैसे देकर। पूछना है तो पकड़ो अपनी सरकार को ग्रेवान से, पकड़ो अपनी सेना को ग्रेवान से, और खींचो उनको और बताओ कि भाई हाँ भाई, हम सच बताने वाले एंकर हैं, हम सच बताने वाले छोटा मोटा है, किसी के बाप से नहीं करते। आओ सड़क पे पकड़ो किसी आर्मी वाले के, पता नहीं गया अभी एक ही सब फ्रेम क्यों करते हो दहशतगर्दी हिंदुस्तान में? वो दम इनके अंदर नहीं है, और हम ऐसे उल्लू और टट्टू बंदों को जाके सपोर्ट करें, उनको पुलिस उठा के ले गए, चौवे उठा के ले गए, दुकानें चला रहे हैं भाई, देख लो दुकानें चला रहे हैं, आवाम को हिंदुस्तान के आगे बेइज्जत कर रहे हैं, हिंदुस्तान को सिर्फ ये दिखा रहे हैं, ये देखो मैंने अपने आम आवाम को, अपने दर्जी को, अपने ठेले वाले को बेइज्जत कर दिया मैंने। अबे भाई, आम आवाम की क्या गलती नहीं करते वो, एक करोड़ लेते हैं, एक एंटी लेते हैं। सच बात करनी है, जिगर है ना, दम है ना तुम्हारे अंदर, लिखो अपने टाइटल पे के सबसे बड़े हराम खोर जो है वो हमारी ISI है। वो ये लोग करने, वो कहते हैं नहीं, हमें तो ISI में प्राउड है, वो तो ये बोल रहे हैं। और आर्मी की रिस्पेक्ट भी है इनको, अपने ISI की रिस्पेक्ट भी है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। जब आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो जो आग लगा रहे हैं पड़ोसी देशों में, तो हम आपसे क्या उम्मीद रखे? तो भाई, हम ऐसे लोगों के लिए ना वीडियो बनाते हैं, ना सपोर्ट करते हैं। जिसको करना है वही लोग करे, जिसके दिमाग में बुद्धि नहीं है, जिसके दिमाग में टट्टी भरी हुई है, हमने थोड़ा अच्छे वर्ड बोल दिया था, वो लोग करते जाएं। हम भाई, हम पक गए हैं इन चीजों में, सच्ची में दुखी हो गए तो। इस पॉलिटिक्स के अंदर, इन जंगों के अंदर पैदा हुए हैं, इसी में बड़े हुए हैं, इसी में आज बुड्ढे भी हो गए, 40 साल उम्र गुजर गई हमारी इन्हीं चीजों में। तो लव यू दोस्तों, किसी को मेरी बात का जो है वो मेन पॉइंट समझ आ गया हो नहीं आने वाला, जिनको अभी मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय। हमने तो प्यार से समझाया था, इन्होंने तो अच्छा बोला उन लोगों के लिए, पर नहीं आएगी समझ। 1 मिलियन से ऊपर लोग हैं हमारे देश में इस टाइप के, जो इन लोगों की से बेवकूफ बन रहे हैं। फिर स्ट्रेस करूंगी, इनको इंडिया से कोई लेना देना नहीं, कोई प्यार नहीं, ये सिर्फ व्यूज के लिए इंडिया की जय जयकार करते हैं, इनके वीडियो स्क्रिप्टेड होते हैं, एक कुछ बंदे ये लेते हैं जो प्रो बोलेंगे, कुछ लेंगे एंटी, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको पहले से क्वेश्चंस बताए गए होते हैं, उनको पता है अगर वायरल होना है तो मोदी जी की इंडिया की जय जयकार कर दो, और उनमें से कई हैं जो उस टाइप से अपना वायरल होने के लिए उन्होंने जय जयकार करनी शुरू कर दी थी। उन्हें ये नहीं पता था कि तुम्हारी जय जयकार जब पाकिस्तानी जो आम जनता है वो सुनेगी तो क्या असर होगा। पैसों के लिए तुमने ये काम कर दिया, इनको लगा कि भैया दूसरी जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसको तो पता चलने नहीं वाला है, क्योंकि आप इनकी वीडियोस देखोगे ना तो जिसको इन्होंने दिखाई, जो दूसरा बंदा था उसने जिसको दिखाए थंबनेल्स, उनको लोगों को पता ही नहीं था कि भैया ये कौन है और वो कौन है। वो कह रहे थे कि वो जो हमजा या जो भी उसका नाम है उसको तो कहते थे हाँ हमें पता है तुम कौन हो, पर वो जब इसको देखता था शोएब का बोलते थे हमें नहीं पता, और फिर जब वो दूसरा बंदा जो था वो दिखाता था शोएब के थंबनेल्स, वो तो देख के सब उसके एंटी हो गए थे। और उसमें एक क्लिपिंग थी जिसमें सारों ने, जितने लोग जो वहां इकट्ठे हुए थे, जब उन्होंने इसकी थंबनेल देखी तो उन्होंने तो इसके अगेंस्ट बोलने लग गए थे शोएब के। तो पब्लिक उनकी ऐसी से पता चलता है नहीं, ये पैसे दे के इंडिया के जय जयकार करवा रहे हैं लोगों से,
और बाकी, हाँ, और बाकी जो यूट्यूबर्स है ना, अब उनकी फट रही है. क्यों? क्योंकि उनको दिखा कि हम भी जय जयकार करते हैं. अगर शोएब को कुछ हो गया तो हमारी भी रोटी पानी बंद हो जाएगी. अब हमारे ऊपर नेक्स्ट अटैक होगा. अब वो उनकी जान निकली पड़ी है. अब वो इकट्ठे हो रहे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स. अब नेक्स्ट वीडियो जो है आपने भेजी हुई है जो दिखाने के लिए, मैंने देखा उसको, उसमें अब क्या है कि ये लोग अब वीडियोस बना के इकट्ठे सारे, ये जो सारे थे ना जो रिएक्शंस करते थे, जा के माइके लेके जाते हैं, उनकी इतनी जान सूखी हुई है कि अब शोएब को पकड़ लो. काम तो हम भी ये कर रहे हैं, हम भी पैसा ऐसी कमा रहे हैं भैया. इंडियंस को उल्लू बना रहे हैं, पाकिस्तान को की बेस्तियां करते हैं. हमें तो दोनों तरफ से हमारे लिए तो मुसीबत हो जाएगी, हमारी रोटी पानी बंद होगी. तो वो सब बैठ के ना अब वो अपनी डिस्कशनें कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए. और कई ऐसे इंडियंस भी हैं जो उनको सपोर्ट में आ रहे हैं, और जो उनके चैनल्स में जाकर बोलते थे ना, उनके साथ इंटरव्यू लेते थे, वो भी उसके लिए खड़े हो रहे हैं. ये हमारे इंडियंस है, पढ़े लिखे भी. एक पूरा सिस्टम बना हुआ है इंडियंस का पैसा लेने के लिए. माय गॉड, जो भोले भाले इंडियंस हैं, जो चले हैं उसको सपोर्ट शरीफ इंडियंस है, उनको कैसे उनका माइंड चेंज करके पैसा लेना है, उसके पूरा मैकेनिज्म बना कर दिया उन्होंने. और लोगों को समझ आना चाहिए कि दूसरी कंट्री का इंसान तुम्हारे जय जयकार क्यों करेगा, और करता है तो तुम्हें खुशी क्यों होती है? तुम्हें अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम किसी पाकिस्तानी से सुनना चाहते हो, वो भी फेक, कि इंडिया क्या कर रहा है. वो उसके बाद जब पकड़ा गया है तो उसको अभी याद आया, कभी उसने वीडियो में कभी बोला था पाकिस्तान जिंदाबाद. जब उसे दिखा कि अभी पुलिस आने वाली है, पीछे से लोग जो है मेरे एंटी हो गए सारे पाकिस्तानी, क्योंकि वो तब जब बनाता है तो उसके आसपास के लोग वो होते हैं जिसको इन्होंने पैसों से खड़ा किया होता है. हिप्नोटाइज किया लोगों को, लोग वहां भी खुश हो रहे होंगे, हाँ अपनी कंट्री की जय नहीं करेगा इसकी करेगा. नहीं, वो उस टाइम उस वीडियो में उसने तब पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, नहीं तो पहले की उसकी कितनी भी वीडियो देख लो उसने कभी पाकिस्तान, वो इंडिया की जय जयकार करता था. अब उसकी जब जान निकली तब उसने वो किया, उसने अपना स्वरूप अंदर से तो है ही वो पाकिस्तानी, वो कहां से इंडिया. और सब उनका मतलब ये होता है कि हमने फायदा कैसे इंडिया से उठाना है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती, पाकिस्तान को दोस्ती क्यों इंडिया से करनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का फायदा होगा. वो तुमने पहले जो पुराने कुकर्म किए हमारे देश के साथ, हमें तुम्हारे साथ करना ही नहीं है. पर 1 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया ये लोग बड़े अच्छे हैं, ये पाकिस्तान को चेंज करा रहे हैं. अरे वो पाकिस्तान को चेंज नहीं कर रहे, वो तुमको चेंज कर रहे हैं. Exactly. तुमको चेंज कर दिया. पाकिस्तान तो वैसे का वैसे ही है, पाकिस्तानी तो कोई देख ही नहीं रहा इनको. अब सपोर्ट करने के लिए कोई पाकिस्तानी आएंगे इनके पास? कोई पाकिस्तानी इनका सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये इंडियंस ही सपोर्ट करेंगे. और कौन करेगा? इन्हीं की तरह पाकिस्तानी चैनल वाले. और कोई पाकिस्तानी सपोर्ट नहीं करवाएगा, लिखवा लो हमसे, सिर्फ इंडियन सपोर्ट करने जाएंगे. ये बात सच है. और ये क्या बोलते हैं कि इसको आप सुनहरे अक्षरों में लिख लो कि और समझ लो. अगर अभी भी नहीं जागे तो भैया पता नहीं क्या होने वाला है हमारे देश का. मैं तो ये देख के बहुत मुझे हो रहा है. तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.